हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगा, आगे भी बढ़िया ही रहना। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो अपकमिंग जो वेपन रॉयल होगा वो कैसा होने वाला है, किस गन का होने वाला है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी एक्यूरेंसी क्या है, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। और उसी के साथ हमारा जो हेलोवीन रिटर्न वाला बंडल है वो कौन सा होगा, और आप लोगों को पता होगा कि हमारे अंदर डेथ अपरेसिंग एक मोड आया था उसके अंदर हमको जोम्बी वाला बंडल मिल रहा था, वो हमको फिर से मिलने वाला है। वो कब तक मिल जाएगा, वो भी फ्री में मिलेगा, तो कैसे मिलेगा वो सारी डिटेल मैंने देख ही रखी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और एक खास बात गाइस, हमारा इलाइट पास रिटर्न मतलब कि हमारा जो इलाइट पास के सारे बंडल्स है वो आपको स्पिन के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा कि ये वाला बंडल मतलब कि जो इलाइट पास के बंडल्स है वो बहुत ही महंगे बिकने वाले स्पिन के अंदर। और गाइस इसी के साथ आप लोगों को पता होगा कि हमारा टेकन टैग गेम है उसी के रिगार्डिंग हमको एक टाइगर वाला बंडल देखने के लिए मिलने वाला है, वो कैसा दिखता है, क्या क्या होगा उसके अंदर, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा जो वेपन रॉयल नेक्स्ट होगा वो UMP के रिगार्डिंग होगा और उसका थीम होने वाला है टाइगर के ऊपर। इसके अंदर आपको डबल आर्मर प्रिपरेशन देखने के लिए मिलने वाला है, डैमेज सिंगल प्लस और मैगजीन माइनस वरना रिलोड स्पीड माइनस देखने के लिए मिलने वाली है। तो गाइस आप लोगों को ये गन का स्किन कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं हमारे डेथ अपरेसिंग बंडल के बारे में। तो गाइस हमारा जो डेथ अपरेसिंग बंडल है वो हमको किसी वेब इवेंट के अंदर ये लोग फिर से देने वाले, ठीक है गाइस। हमारा जो डेथ अपरेसिंग वाला बंडल था जोम्बी वाला वो ये लोग हमको फिर से देने वाले हैं किसी वेब इवेंट के अंदर, मतलब कि ये लोग सारे पुराने बंडल हमको फिर से दे रहे हैं। तो इसी के साथ आपको इसी के साथ डॉगी इमोट भी इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो कंफर्म नहीं है, लेकिन डॉगी इमोट के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है अगर आपके पास नहीं है। अगर हमको ये फिर से देखने के लिए मिलता है सुपर मार्केट मतलब कि जो बोलते हैं हैकर स्टोर, तो इसके अंदर हमको ये वाला देखने के लिए मिल जाएगा थीम, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ अभी बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट इवेंट के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट इवेंट जानने से पहले अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो तो ये लोग ये वाला बंडल हमारा इलाइट पास के लास्ट जो बॉक्स में मिलता है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और उसी के साथ आपको एक और नया ग्लोबल का स्किन देखने के लिए मिलने वाला है। जैसे कि आप जो ये देख सकते हो यार, सीबा का स्किन मतलब कि सीबा का थीम इन लोगों ने दिया है इस स्किन को। तो गाइस ये वाला ग्लोबल का स्किन भी हमको जल्दी हमारे गेम के अंदर देखने के लिए मिलेगा, और आपको भी ये इसके लिए 500-600 डायमंड वेस्ट करने पड़ेंगे वरना डायरेक्ट ये लोग बॉक्स ला देंगे हमारे सर्वर के अंदर। तो इसी के साथ अभी हम नेक्स्ट मतलब कि ये वाला इलाइट पास रिटर्न यार ये आपको स्पिन जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि ये बहुत ही पहले मतलब कि एक साल होने ही वाला है, तो गाइस एक डेढ़ साल तक ये वाला इवेंट हमको देखने के लिए नहीं मिला है, तो जल्दी हमको फिर से ये वाला इवेंट देखने के लिए मिलने वाला है। और गाइस इसी के साथ आपको ये पेट के स्किन फ्री में मिलने वाले हैं, आपको कुछ मिशन कंप्लीट करने होंगे और उसी के साथ आपको पेट के स्किन मिल जाएगी। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं हमारे टाइगर बंडल के बारे में। तो गाइस आपको कुछ 100% कंफर्म बंडल वाला इवेंट देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। ऐसा कुछ इवेंट मिल जाएगा आपको, ये वाला बंडल देख लो गाइस एकदम ओपी सा बंडल है। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो उसके मतलब कि हेयर देखो यार, मतलब कि जो मास्क है वो देखो एकदम ओपी है, इसके आँख में से लाइट निकल रही है लेजर जैसी। और गाइस इसका कॉस्ट्यूम तो बहुत ही अच्छा है, अलोक जैसा ही नीचे से है, पैंट और बूट सेम टू सेम अलोक है, ऊपर से थोड़ा सा चेंज किया गया है। उसका सूट के बारे में बात करें तो आधा सिक्स पैक दिख रहा है, तो बहुत ही अच्छा बंडल है। आपको कैसा ये बंडल लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा बंडल है, आप लेने वालों की नहीं लेने वालों। और हाँ गाइस ये वाला बंडल हमको पूजा इवेंट के बाद देखने के लिए मिलने वाला है, और उसका फीमेल वर्जन हमको फेडेड विल के अंदर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसका फीमेल बंडल हमको फेडेड विल के अंदर देखने के लिए मिलेगा, और ये हमको वेब इवेंट के अंदर जैसा अभी चल रहा है एक और ये वाला बादशाह वाला बंडल है उसी के साथ ऐसे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं हमारे हेलोवीन मिस्ट्रीज ऑफ रिटर्न के बारे में। तो ब्राजीलियन सर्वर पर यहाँ पर 25/10 से लेकर 31/10 तक ये वाला इवेंट दिया गया है, तो जल्दी शायद से हमारा हेलोवीन आएगा तब हमको ये वाला बंडल शायद से दे सकते हैं, वरना कुछ अपडेट करके दे सकते हैं इस बंडल के अंदर, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से कर देना, और गाइस इसी बात पर ये लाइक मारो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। गाइस मिलेंगे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक से नए इसके साथ।